नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। दिल्ली के झंडे बलान में स्थित अम्बेडकर भवन पाल बेगल गडरिया समाज के द्वारा सामूहिक विवाह समारोह एवं परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पाल बेगल समाज लोगों ने भारत के अलग अलग राज्यों से आकर समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आइए देखें ये आयोजन। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय जशीतलाम आज का कार्यक्रम पाल बघेल युवा युवक्ती परिचय सम्मेलन है। इसी में एक सामूहिक विवाह का भी कार्यक्रम रखा गया है। जो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया है उसमें एक गरीब लड़की की शादी की जा रही है। ये सभी समाज एक साथ इकट्ठा होकर ऐसे कमज़ोर लोगों को मजबूत करने का काम कर रहा है जिनकी कोई बात सुनने वाला नहीं था। और ये कार्यक्रम 12वां कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में पूरे देश से लोग आते हैं। इस कार्यक्रम में आने के बाद लोगों का जो शादियों में परेशानियाँ आती थी वो दूर हो रही हैं और एक दूसरे से परिचय हो जाता है। और एक आखिरी बात, जो ये जो समाज है राजनीति से दूर था, आज आपने देखा होगा कि देश का सब देश के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हमारे समाज के कार्यक्रम के बीच में हुआ। ये देश में नहीं दुनिया में एक संदेश गया है। पाल बघेल धनगर होलकर गडरिया समाज भी आज शिखर की ओर जा रहा है। पहले मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं भागमल पाली दिल्ली से ही हूँ मैं। और ये पाल बघेल जो समिति हमारी बनी हुई थी 12 साल से, एक तरह से हम 11 साल हमने एक जगह काम किया था दूसरी समिति में। दूसरी समिति में कुछ गड़बड़ के कारण हम अलग होकर के हमने जो नई समिति बनाई है, ये नई समिति पाल बघेल धनगर गडरिया सेवा समिति दिल्ली के नाम से है। इसमें हम पहली बार 12 साल तक एक भी किसी का बच्चों का शादी ब्याह नहीं हो पाया। प्रथम बार हमने प्रयास किया है, एक जोड़े से शुरुआत करी है। भगवान ने चाहा और आप सबकी समाज की कृपा से आगे कई जोड़ों की हम सामूहिक विवाह करेंगे। हमने समाज के उत्थान के लिए और भ्रष्टाचारियों को दूर करने के लिए इस संस्था का निर्माण किया। एज ए महामंत्री मैं इस बात को आपको अश्योर करना चाहूँगा कि आगे ये संस्था दिल्ली में केवल यही एक संस्था ऐसी होगी जो धड़ल्ले से चलेगी, ईमानदारी से चलेगी और इसका वर्चस्व पाल बघेल समाज धनगर को ऊंचा उठाने के लिए सफल होगा। धन्यवाद। पाल बघेल धनगर गडरिया समाज नई दिल्ली के समिति के द्वारा ये प्रोग्राम आज जो समाज में दहेज प्रथा का बहुत बड़ा बोलबाला है, दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए हम लोग सामूहिक विवाह और परिचय सम्मेलन किया कराया जा रहा है। इसके माध्यम से जो हमारे समाज के कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको समाज में एक बराबर का सम्मान मिले, कंधे में कंधा मिला के चल सके, उनके बच्चों बच्चियों को एक सामूहिक विवाह के माध्यम से उनको आशीर्वाद दिया जा रहा है। इस सामूहिक विवाह में हम प्रॉपर
जो एक सिस्टम होता है दहेज का वो पूरा सामान देते हैं, ताकि ये उनको न लगे कि हमारा हमारे साथ कोई छलावा किया गया है। समाज में बहुत सारी कमेटियां हैं जो इस तरह के काम करती हैं, लेकिन मैं समाज से ज़रूर एक चीज़ का अनुरोध करूंगा कि उन कमेटियों पर विश्वास करें, जो कमेटी रजिस्टर्ड हो, जिनका बैंक बैलेंस बैंक में खाता हो, उन्हीं के साथ जाएं, ताकि समाज का पैसा समाज के लिए लगाया जा सके। और मैं इस मंच के माध्यम से आज शिक्षा पर ज़्यादा योगदान देता हूँ, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन डाला जाए, ताकि बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे तो बेरोजगार नहीं रहेंगे, और बेरोजगार नहीं रहेंगे तो समाज में एक बहुत बड़ी उन्नति आएगी, जिससे कि समाज एक सशक्तिकरण की तरफ जाएगा, और हमारा कोई भी भाई ऐसा नहीं होगा जो कि एक सक्षम ना हो। समाज के बहुत सारे उद्योगपति, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे लोगों का इस समिति पर भरोसा है, वो योगदान दे रहे हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं। इस करके मैं सचिन पाल, मीडिया प्रभारी कोषाध्यक्ष के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि समाज में एक अच्छी छवि छोड़ूंगा, जिसे समाज में एक अच्छा संदेश। जय जय हिंद, जय भारत, जय गणेश, समाज जय महाराज।